वाह वाह गोविंद सिंह, आपे गौर चेला, सतनाम वाहिगुरु जी। मन चाओ पया प्रमेय आगम सोनिया, हर मंगल लंगाओ सखी ग्रह मंदर माणिया, हार गाओ मंगल नित सखिए, शोक दुख ना व्या पाए, गुर चरण लागे दिन सपागे, आपना पेर जा पाए, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रमेय आप मिलया, कारण कारण जोगो, कह नानक प्रभु आप मिलया, कारण कारण जोगो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल तख्त चबर दे मालक साहिब दे कमाल बिंदुनी के पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की मुबारक बोल जी कोल बैठ के आप जी ने कीर्तन सुने। कीर्तन के द्वारा जिथे संत भी भगत भी गुरसिख भी गुरु की संगत की वडियाई की थी। आवे साहिब विचित भगतां तेरे भगतां डिठे आ, पच कहिंदे वी जदों तेरे मैं भगत जिन्हां नूं संत जिन्हां नूं मिलदा ते मैनूं साहिब चेते आउंदा। ऐसे करके सिख हर रोज़ गुरु अगे अरदास करदा है, तुसीं वी करदे हो सारे। ते अरदास की हुंदी है? प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तों नाहीं विसरिया। प्रणवत कहिंदे ने बेनती नूं, प्रणवत नानक, नानक बेनती करदा कि तिन की शरणा, मैनूं उन्हां दी शरण चाहीदी है, जां उन्हां दी शरण च रख। किन्हां दी शरण? फिर बाबे ने बचन किया, जिन तों नाहीं विसरिया, जिन्हां नूं तों विसरदा नहीं उन्हां दी शरण च रख। चलो अरदास हो गई, और अजकल असीं अरदास करके अवेसले हो जाने भी अरदास करती हूँ ठीक है, पर नाल ही गुरु ने अगली गल समझा दी कि बीत जे है, बीत जे है जन्म अकादरे, निस दिन सुन कै पुराण, प्राण नहीं है पाठ पुराण है, ख्याल रखना पुराण तो बहुत धार्मिक ग्रंथ है। मालक कहिंदे ने तू निस दिन दिन रात धार्मिक ग्रंथां दा पाठ सुनदा है, समझदा तू फिर भी नहीं है। निस दिन सुन कै पुराण, समझत न रे अजान, ऐ अनजान जीव तू क्यों नहीं समझदा कि तेरी उम्र जेड़ी है, तेरा समा जेड़ा है, तेरी मोहलत जेड़ी है वो घट रही है। पातशाह कहिंदे हले कुछ विगड़िया नहीं है, समय की संभाल कर और परमेश्वर की बंदगी कर, अपना जीवन सफला कर। अज आप जी ने आनंद बाणी की चौंतीवीं पौड़ी का पाठ सरवण किया है। अज की पौड़ी पातशाह जी ने प्रभु के आने का समाचार सुनिया, फिर प्रभु का हिरदे घर आना, आके विराजमान होना। हुण एक आने की खबर सुननी, तो एक अगले ने घर ही आ जाना। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, जे साडे किसे प्यारे दे आउण दी सानूं खबर मिल जाए बड़ी खुशी होंदी है, जदों घर आएगा किन्नी खुशी होएगी वह बयान नहीं कीती जा सकदी, वह बयान नहीं कीती जा सकदी। ख्याल रखना, सतगुरु ने प्रमाण कीता
मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया। कहने मेरे मन च बड़ा चाओ पैदा हो गया। कदों? आगम तो पावे आना। जब मैं प्रभु का आना सुनिया ना, मेरे मन च चाओ चढ़ गया। अच्छा जी, मैं पूछा पाछा ये खबर मिले कितों है? फिर सतगुरु ने बाण के जवाब दिता, प्रभ आपते की खबर गुर पाई। ये खबर मैनू गुरु ने दिती है भी मालक तेरे घर आ रहा है। सुनत संदेशरो प्रय ग्रह सेज बिछाई। जब मैं सुनिया कि मेरे प्यारे ने आना है, मैं अंदर बिछाई कर दी। जे उन्हें आना है तेन बिठाना कितने? तैयारी तो करनी पाएगी ना। अच्छा, जिहड़ी तैयारी करदे ने उन्हां दी तैयारी नूं भाग लगदे ने। देखो, एक व्यक्ति है, महात्मा बंदा है, अल्लाह दी बंदगी करन वाला है, हर रोज दा पांच वक्त दा नमाजी है। पछम वाल नमाज पढ़ता है। अज अचानक पता की होया, उन्हें नमाज चढ़ते पढ़ती। अज नमाज चढ़ते पढ़ती, जिन्हें चेले से वो हैरान, इन भी हो गया अज नमाज पढ़नी भुलता नहीं गया। इधर दिमागी संतुलन ठीक ठाक है। चलो, जब नमाज पढ़ ली ना, सारे इकट्ठे होके आ गए। तुसी भी कदे वेखो, तुसी दुध लेके आए हो, गुरु साहिब के दरबार च पेट करना, रात तुहानू बाहर कोई मिल जाता भी मैनू दुध की लोड़ है दे दिओ। वैसे तो असीं देंदे नहीं है क्योंकि साडी नहीं हिम्मत नहीं हुंदी। जे तुसी देता नाल दे ने कहना की गल, दिमाग खराब हो गया तेरा। क्यों? क्योंकि गुरु ते दुध दुध तो गुरु वास्ते लैके आए हैं, दरबार वास्ते लैके आए हैं, ते तू इत्थे पकड़ाता। क्योंकि मेरे मन च ना एक ख्याल है भी जदों मैं इत्थे दुध लैके आवांगा, इत्थे भोग लगेगा, फिर वंडिया जाएगा। जदों की आप तवारीख पढ़ीए तो तवारीख साढ़े को बहुत सारिया ऐसा घटनावान ने। सिख शहद लैके आया है, रस्ते विच नाल होर भी सन, किसी नूं खंघ लग गई तो किसी ने दस पाए भी कोई शहद हैगा भाई कट्टू को, कहता मैनू दे दे थोड़ा जा, चट लवा मेरी खांसी ठीक हो जाएगा। ना ना, एवं दे दें तेन पड़िया, ये कश्मीर का शहद है, ये तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के हथे ही जाके ढक्कन खुलेगा। उन्हें बड़िया मिन्नत कीतियां, अगले ने दिता नहीं शायद। जो इत्थे आया गुरु साहब कहते हुण सानू लोड़ नहीं है, जो लोड़ सी उदो मंगिया सी, हुण सानू जरूरत नहीं है भाई, तुम अपना अपने कोल सामभ के रख। मैं बड़ी बार बेनती की है उन्हें किस रूप दे विच साडे सामने आना है, सानू रूप पछाणन दा, उस रूप नूं सियाण दा साडे कोल तरीका होना चाहिए भी पछाणीए ते सही भी वाकई गुरु कहड़े रूप च आया है, कहड़े रूप च आया है गुरु। एक मैं होर घटना सांझी करदा, शायद इह गल सानू होर वधिया तरीके नाल समझ आ जाए। आनंदपुर साहिब दी बात है, कलगीधर पातशाह वेस पटाउंदे ने, अपना स्वरूप बदलते ने। आनंदपुर साहब बहुत सारे लंगर लगे ने, सारे लंगर च जाते ने। अगला दिन जदों दीवान लग्या, हुण सारे लोग आए नतमस्तक होण, जिन्हां जिन्हां दे लंगर च गए वह भी आए। तो पातशाह जी ने कहा कि भाई नंद लाल जी का लंगर सब तो उत्तम है, बाकियां दा नहीं पाए। भाई नंद लाल के लंगर से ऐसी की खासियत है?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਥੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੈਲੀ ਬਾਰ ਮੰਗ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੰਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੜਾਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਰਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਿਰ ਦੀ ਉਹ ਕੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਾਲ ਹੋ ਬੰਦਾ ਲਹਿ ਨਾ ਤਕੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸਣ ਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਚਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਖੜਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ
मामा कृपाल चंद जी मिल गए। कहिंदा जी बड़ी दूरों सफर करके आया, सुनिया इत्थे किसे बाल ने जन्म लिया, मैं उहदा दीदार करना चाहुंना, दीदार करना चाहुंना। और तबारखी पन्निया ते तां आ भी लिखिया होया कि इन्हें दो कुजियां फड़ियां होईयां ने, एक पानी वाली और एक दुध वाली। तसली करनी है ना, वो कहिंदे भी बाल तां तुहानू नहीं मिलवाया जा सकदा, मेहनत कीती तरला कीता भाई, मैं बड़ी दूरों चल के आया और मेरा कोई मकसद है इत्थे आउण दा, नहीं तां मैं हर कोई नहीं आ गया। चलो मेहनत तरले नूं भाग लगा, बच्चा लियांदा ते कहिंदे ने उस बच्चे दे सामने उन्हां ने दोवें कुजे कर दित्ते भी वेखां तां सी किहड़े ते हत्थ रखदा, पानी वाले ते रखदा कि दुध वाले ते रखदा। उन्हें दोवें कुजियां ते हत्थ रखदा, दोनों कुजियां ते हाथ रखता, उन्हें फिर बच्चे नूं सीधा कीता ते वापस मुड़ आया। मनचाओ पिया प्रभु आगम सुनिया ते एडा खुश है, मैनूं इन्हां नेत्रां दे नाल जिउंदे जी मुलत मुक्कण तों पहलां, जीवन दा सफर मुक्कण तों पहलां उस खुदा दे दीदार हो गए। मेरी मुराद गोबिंद राय दे दीदार तों है, गोबिंद राय दे दीदार तों है। मनचाओ पिया प्रभु आगम सुने, आगम तो पाओ आवना सुनिया, ख्याल रखना। मित्र सुनिया है भी वो आ रहा है, पर बड़े लोग ने जड़े जड़े सुनते थे भी पातशाह जी आए ने, उन्होंने कि चाह चढ़ जाता, चाह चढ़ जाता उन्होंने, सच्ची आए ने हाँ, या साडे इलाके च आ रहे ने, या साडे पिंड च आ रहे ने, या साडे घर आ रहे ने। अच्छा जदों पता लगता ना, कई फिर साडे वर्गे व्यौतबंदियां बना लेंदे भी पातशाह जी जे उधर आए ने तो साडे इधर भी आओ, साडे इधर भी आओ भाई। पर तुसी वेखो, मैं तां 20-25 सालां च कतेरे वेख्या भी आ घर च गुरु ग्रंथ साहिब गए ने, पाठ होया, समाप्ति होई, ते नालदियां ने कहा वे भी पातशाह जी इधर आए ने, पलो तो साढ़े घर भी लै चलो, साढ़े घर भी लै चलो। अच्छा जे कोई तुहाडे वर्गा कह भी देवे भी साढ़े घर लै चलो, जिन्हां दे कर गए ने ओह कहणगे लै तुहाडे घर किवें जाणगे महाराज, इह तां साढ़े घर आए हुए ने, साढ़े घर आए तुहाडे घर थोड़ी जा सकदे। और सतगुरु ने ऐसा कदे नहीं किया, ख्याल रखा। दाता जी ने वचन किया, मन चाओ पिया प्रभु आगम सुनिया, हर मंगल लगाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया। मंगल तो पाओ खुशी देगी, सखी तो पावे सहेली। आप जो बाणी पढ़ांगे बाणी च एक वचन आया, जो दो बैठिया होंदिया ने ना, सखी सहेली कौ समझावै, एक भैन दूजी नूं समझाउंदी है, पर भैणां ते सहेलियां च फर्क बड़ा, ख्याल रखना। भैणां इक्को मां दियां जाइयां ने, पर जिहड़ी सहेली बनदी है उह इक मां दी जाई थोड़ी है, उह तां पता नहीं कित्थों आई है, किथे दी रहिण वाली है ना। इत्थे फिर जिवें जिवें साडा मिलवर्तन बणदा है, इन्नी डूंगी सांझ पै जांदी है, हुण सहेलियां दी बात इक्को है, पक्की सहेली नाल करिए। बाबे ने माणिक वचन किया, तां गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने मेरी पक्की सहेली कहड़ी है। तुसीं कदे पुछिया पातशाह जी नूं, पातशाह तुहाडी पक्की सहेली कहड़ी है? ते मेरे मालक ने माणिक वचन किया, गुरमुख सखी सहेली मेरी, जिहड़ी गुरु दे नाल जुड़ी हुई है ना, वह मेरी सहेली है। ते सहेलियां दा काम की हुंदा है? सिद्धे राह पाउणा, पुठे राह नहीं पाउणा। बाबे ने वचन किया, सखी सहेली को समझावै, एक सखी है
दूजी सहेली नूं समझाउंदी है कि मालक की खुशी लैनी है किवें मिलेगी, जो प्रभ भाव है सोई कमावे, जो मालक नूं चंगा लगता है उन्हूं कमाउणा शुरू कर दिओ, तुसीं मालक नूं चंगे लग जाओगे। हुण साडी कोई सहेली है इदां दी जां साडा कोई दोस्त है इदां दा जिहदे कोल असीं बैठीए परेशान होईए दुखी होईए है ना भी मैं तां मर ही जाणा, ते साडे कोल कोई इदां दा दोस्त कोई इदां दा मित्र है जिहड़ा सानूं गुरु की बाणी दे ज्ञान दे द्वारा जीवन की महानता दसे, जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के उपदेशों द्वारा साडे डिगदे होए टैंदे होए मन नूं सहारा दे के चढ़दी कला वल लैके जावे। है कोई साडा इदां दा दोस्त मित्र? साढ़े तो जिन्हें होणगे ना माफ करना सारे खूह वाले पासे लैके जाने वाले होणगे, चल आ तैनूं लैके चला, तू मरना चल धक्का तैनूं मैं दिना, मैं दिना धक्का तैनूं, अच्छा मैं तैनूं भी दस दिना भी किहड़ा खूह डूंघा है, चल असीं तां तरीके दसने आ, उह भलेओ जे तरीके दसने आ ते चंगे तरीके दसीए ताकि उहदा जीवन चंगा बन सके। ताई तां सतगुरु कहिंदे ने कि पातशाह कहिंदे गल्ली सो सज्जण भी, गल्लां वाले तो मेरे भी दोस्त ने, भी मेरियां सहेलियां ने, बस गल्लां वालियां ने, हुण उहनां वीआं चों खड़न वाला कौन है? ते सात संगत जी जे मैं गल कहां ते कोई अत कथनी नहीं, खड़न वाला ते केवल गुरु ही है, पर हर एक दे नाल गुरु खड़दा है, हर एक दे नाल, और खास करके तो गरीब नाल तो ज़्यादा खड़दा है। भाई नंद लाल जी ने कहा सी इस दुनिया दे विच इस संसार दे विच गरीब का जो कोई यार है, पहली तो गल गरीब नूं कोई यार बनाउंदा ही नहीं, कि बनाउंदा सवाल नहीं पैदा हुंदा, गरीब नूं कोई यार नहीं बनाउंदा। अच्छा जिन्हों असी यार नहीं बनाउणा उन्हों अपने बराबर भी नहीं बनाउणा, उन्हों अपने नाल खिलाणा भी नहीं, हुण जिन्हों असी अपने नाल खिलाणा नहीं है उहदे कोलों लै के किद्दां खा लांगे लैके, सवाल नहीं पैदा हुंदा। पर वेखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने सानू अपने बराबर बिठाया सारे, आ जाओ भाई बैठो, सतगुरु पातशाह जी ने उन्हां नीवी जातां वालियां दे कोलों अमृत लैके आप पीता है। देखो तुसीं उन्हां कोलों अमृत लैके आप पीता है, इत्थे बस नहीं है, असीं तां अपने तो नीवियां नूं देने आ। अच्छा जे कोई गरीब बेचारा लै भी आवे ना कोई साडे आते तोहफा वगैरह ना, असीं कदर नहीं पाते उहदी, क्यों? क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां मैं वरतदे आ इहनां दी औकात है भी मैनूं लै के दे देणगे, रख दे इक पासे। पर सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे वास्ते जिहड़ा भी कोई जो भी चीज़ लै के आया पातशाह जी ने उहदी लियांदी कोई चीज खुशी नाल प्रवान की, खुशी नाल प्रवान की सतगुरु ने। पातशाह कहिंदे तुसीं चिंता ना करो भाई मैं तुहाडे नाल हां, तो कहिंदे सतगुरु जे तू साडे नाल आ फिर दुनिया की कोई ताकत सानूं चुका नहीं सकदी, ये भी गल नाल है, 10 लाख छड भावें 50 लाख आ जा कोई चिंता नहीं है। तो बेनती कर रहे थी मालक कहते ने सखी की कहते ने पातशाह जी कहते ने हर मंगल गाओ सखी, आ तुसी जिन्हिया बैठिया हो भावें मर्द बैठे ने भावें औरतां बैठिया ने भावें भरा बैठे ने भावें भैणा बैठिया ने भावें बजुर्ग बैठे ने भावें मातावां बैठिया ने तुसी सारियां गुरु दियां सखियां हो। ते पातशाह की कहते ने मंगल गाओ सखी, मंगल कहते खुशी का गीत, भाई तुसी सारियां खुशी का गीत गाओ, मेरे घर खुशी है तो मैं तुहानूं कहना तुसी मेरी खुशी च शामिल होवो, जो खुशी के गीत गाए जाते हैं तो बाकी सारे भी तो गाँवे कि नहीं गाँवे। सब कहते ने ग्रह मंदिर बनया, मेरा जिहड़ा घर सी ना वो मंदिर बन गया, मेरा घर मंदिर, और ये जिहड़ा घर है ना ये साडे सारिआं कोल है, और इहनूं कहा हिरदा घर, मेरा हिरदा घर जिहड़ा है ते मंदिर बन गया क्योंकि इस मन मंदिर दे विच उस अकाल का निवास हो गया।
मैं ते बड़ी बार बेनती की है गुरु दे प्रकाश का स्थान जेड़ा है असल विच सिख का हिरदा है। देखो गुरु शब्द है तो शब्द ने प्रकाश कित्थे करना है साडे हिरदे विच साडे मन विच साडी मत विच साडी बुद्ध विच। हर गाओ मंगल नित सखिए पाचक कहंदे ओ मेरी सहेलिए तो खुशी का गीत हर रोज गा। एक बाणी का वचन है जिहड़े तुसीं सोहला पढ़ते हो साहब जी ने फरमान किया ना तुम गावो की गाउणा है साहब जी पाचक कहंदे तुम गावो मेरे निरपौका सोहला मेरे उस निरपौ परमेश्वर दे खुशी दे गीत नूं तुसीं गाओ। इहदे गाउण नाल की होएगा जित सदा सुख होए। इत्थे भी मेरे मालक ने वचन किया सुख दुख ना व्यापे जे तुसीं उस मालक दी खुशी दे गीत गाओगे तुहानूं सोग नहीं व्यापेगा। ते सोग कदों व्यापदा जदों कोई भी चीज चली जाए ना अपने पल्लों बंदा सिर ढक के बह जांदा उहनूं सोग लगदा क्योंकि मेरे कोलों कोई चीज चली गई। ते सानूं सब तों वड्डा दुख किहदा लगदा है तन चला जाए बंदा बहुता दुखी नहीं हुंदा पदार्थ चले जाण बंदा बहुता दुखी नहीं हुंदा जुबान औलाद चली जाए ये दुख छेती किते अंदरों निकलदा ही नहीं। बड़ा शोक है भाई और तुसी उस बाप दे वल चाती मार के वेखो जिस बाप दे एको ही हफ्ते चारे जवान पुत शहीद हो गए चारे मां भी शहीद होगी पंजवी पर उस गुरु ने एक अंजू नहीं कढ़िया नहीं तो तुसी वेखो रोवे राम निकाला पाया माफ करना जी सच्चाई है पर कई सच हजम नहीं होंदा ना फिर वो कह देंगे जी साडे जिहड़े पीर पैगंबर ने उन्होंने खिलाफ बोलते हैं तैनू ना उन्होंने थाने वाले ने बहा के भाई साहब तुहानू की लोड़ इन्हां दे खिलाफ बोलण दी मैं कहा मेरी की जरूरत है मैं इन्हां दे खिलाफ बोलांगा। बंदा सी वह कि जेंटलमैन पर उन्हें पग बन्नी हुई थी राम स्वरूप का नाम की प्लेट लगी हुई सी पुछगिछ होई मैं कहा जी तुसीं बाणी पढ़ते हो तो मुबारक नहीं तो पढ़ लिया करो तुहानू आपे पता लग जाए। मैं कहा गुरबाणी के अंदर हर व्यक्ति की गल की है कि जो असी बाणी की कथा करनी है तो फिर तुहानू हवाला देना पड़ेगा। हुण मैं पंक्ति पढ़ती रोवे राम निकाला पाया ठीक है जी इस पंक्ति नूं कट दिओ कट्टी जाएगी अगे मैं इहदी व्याख्या करांगे। वेखो जी रामचंद्र जी रोए कदों जदों उन्हां नूं घरों बाहर कढ़िया हुण इस गल नूं चुक के तुसीं जाके दर्ज करा दो परचा हो जाएगा। या वेखो जी इन्हां ने रामचंद्र जी दे बारे इदां कहा वी साडे रामचंद्र जी दे बारे इदां कहा वी रो रहे ने मैं कोई झूठ थोड़ी कहा जो बाणी च लिखा ओही बयान कीता। एक बार नहीं रोया दो बारी रोया एक बारी कदों रोया जदों बनवास तुरया दूजी बारी कदों रोया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया जदों सीता बिछड़ गया ते लक्ष्मण बिछड़ गया कदों रोया। फिर होर कमाल की बात वेखो साहब ने माणिक वचन किया रोवे दह सिर लंक गवाए रो रामचंद्र वो भी रावण भी रहा उन्हें अपनी लंका गवा ली वह लंका गवा के रो रहा है वह पत्नी ते भरा गवा के रो रहा है और भी बड़े रो रहे हैं। बाणी के अंदर पूरा शब्द है मैं बयान कर दिना एक बारी जो तुसी शब्द सर्च करके पढ़े हो जरूर जो तुसी पंक्ति भी पाओगे ना रोवे राम निकाला पिया सर्च ता भी आ जाएगा पूरा शब्द। सतगुरु ने सारिया की पांडव भी रो रहे हैं पंडित भी रो रहा है औरत भी रो रही है सब रो रहे हैं। सतगुरु ने पूरी लिस्ट तैयार की रामचंद्र जी के दादा जी भी रो रहे हैं कमाल हो गई। हुण तुसी वेखो ये सारे रोए
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਚੰਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਜੂਨੀ ਕੰਢੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭੋਕਾ ਸੋਹੇ ਲਾਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸੋਹੇ ਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀ ਅੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਣ ਹੰਗਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗਾਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਤੇ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾ ਗਏ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਭਲੇ ਦਿਵਸ ਹੋਏ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਦਾਹੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਗੁਰਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਖੰਘਾਉਣ, ਕਿਹੜਾ ਖੰਘਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਖੰਘਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਿਵਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੋਲੇ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲ ਘੇਰਾ, ਔਰ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਟਾ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਟਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
फिर अगले नूं दे दे, सारे कुट 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 अमृत इक्को ही बाटे नाल पींदे ने, इक्को ही बाटे च पींदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਗੈਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ 84 ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ 5-4 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਦਿਵਸ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾੜ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਐਸਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾ ਪਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਬੋਲ,
मैं मन दे के ना मालक नू मुल लिया है, चलिया कि देखो है, मैं कुछ सतगुर दिता, मैनू सतगुर ने दिता अपना फिर जा पे। हुण इस तों अगे पातशाह जी ने बचन किया, अनहत माणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। हुण गुरु दे ना शब्द द्वारा की होया जी, अनहत बाणी दा स्वाद आ गया। अनहत बाणी ते किवें जानी है जी, गुर शब्द जानी, गुरु दे शब्द राही जानी है, हर नाम हर रस भोगो। ते हुण होया कि नाम रस दा स्वाद लै रहे, पाछा मेहर करन जी कि स्वाद सानू भी आवे। पर यह स्वाद तां आएगा जी अपनी रसना नूं गल समझा देंगे, ते रसना तू अमृत रात रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए, होर ते कित्थे, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। कहे नानक प्रभात मिलिया, ते नानक आख मैनू प्रभु आपे मिलिया। केड़ा प्रभु मिलिया जी, कारण कारण जोगो, जिहड़ा सारे कारणा दे करण दी समर्था रखदा, मैनू ओह प्रभु मिलिया। वेख लो सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब तो वड्डे और सब तो वध समर्था वाले गुरु ने, ते जिन्हां जिन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब मिलदे गए, निहाल हुंदे गए, जीवन सवरदे गए, और कई ते वेखो तवारिक च अपना नां ही लिखांदे गए, तवारिक दे विच अपना नाम लिखांदे गए। ऐसे करके बेनती कीती, अच्छा असीं लोकां ने एक तरीका कढ लिया, मैं अपना नां लिखाणा तवारिक विच, किवें लिखावांगा, चंद पैसे दे के किसी भी पत्थर पर अपना नाम लिखा दो, पखे पर लिखा दो, थाली पर लिखा दो, पतीले पर लिखा दो, जब तक पखा चलूगा अपना नाम चलूगा, है ना। पर नहीं, जेड़ा नाम उन्होंने लिखवाया साड़ी तो ते तक सोच नहीं जा सकती। दीवान टोटर मल लिखवाया नाम के नहीं, पर उन्हें क्या नहीं है भी मेरा नाम लिख दो ना, वो कहता भी मैं सेवा इस करके थोड़ी की थी भी मेरा नाम हो वे। ना, मैं तो सेवा इस करके की थी है कि गुरु ने मेरे से मेहर की थी, मेरे से बख्शिश की थी, मैनू इस योग किया है कि मैं गुरु के बच्चों का संस्कार करने की समर्था जुटा सकिया। वो कहते तू भावें नहीं किया काम भी मेरा नाम हो वे, पर असी तेनों सन्मान देना भाई, असी तेनों प्यार देना, साडा भी तो कुछ फर्ज बनता है, साडा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कहिंदे ने भी उह जैनी सी दीवान टोडर मल, अखीरली बेनती है इस गुरु घर भी कि जैनी परिवार के वलों महीने च एक बार कड़ा प्रसाद की देख हर महीने आती, इत्थे भी आती, वो परिवार भी जैन है, हर महीने एक तरीक उन्होंने बनी हुई है कला प्रसादी देख आई है। तो जिन्होंने सेवा करनी है ना जी, उन्होंने हद बन्ने नहीं रखने होंगे, ख्याल रखना, वो हद बन्ने तोड़ के सेवा करते, तो गुरु ने तो हद बन्ने तोड़े ने। मालक ने परमा चो सानू कढ़ता, वहमा चो सानू कढ़ता, जात पात के बंधना चो सानू कढ़ता, ऊंच नीते भेद तो सानू कढ़ता, सानू बना के दिता। एक पिता एक अच्छे हमबारक तू मेरा गुरखाई, आप सारे गुरु भरा कोशिश करिए बनन की, आपस में तालमेल वधाइए, आपस प्यार वधाइए, और ये गुरु के मार्ग के तुरदे हुए की कर सकी जी, धर्म का जयकार कर सकी, खालसे जी के बोल बाले कर सकी, पंथ की चढ़ती कला में अपना बनना योगदान पा सकी। तो इतनिया बेनतियां प्रवान करना जी, विचार करदे हुई भुलां मेरिया जान के मेरी चोली पा देनिया, उपदेश गुरु का जान हिरदे वसाउणा, अरदास करनी आतीस बख्शनी पातशाह जी होर वधेरे समात बख्शन, ताकि गुरमुख गाडी राह ते तुरदे होए गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की सेवा चढ़ती कला नाल कर सकीए। बख्शो आशीष बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਨੰਦ ਖੂਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।